Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, presenting you daily editorial analysis covering 16th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल ऑयल बॉन्ड्स के बारे में है. द नेम ऑफ दिस एडिटोरियल इज द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल बॉन्ड्स. नाउ फ्रॉम लास्ट वन ईयर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो रिटेल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुए हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज़ अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. एंड जब भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, then the issue of oil bonds are always raised. Like for instance, last week bhi, jab finance minister Nirmala Sitharaman se pucha gaya ki wo kis tarah, jo current government hai, wo kis tarah petrol, diesel aur petroleum products ke jo prices hain, unko decrease kar sakti hai, and tab bhi oil bonds ka jo issue hai, usse yahan pe highlight kiya gaya. To sabse pehle is article mein hum samjhenge कि इंडिया के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो किस तरह फिक्स किए जाते हैं. एंड देन वील ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज ऑयल बॉन्ड्स एंड किस तरह से इन ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया जाता है एंड हाउ डू दे अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड किस तरह ये गवर्नमेंट कितनी एक्सटेंड तक ये गवर्नमेंट के जो हैंड्स हैं व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल उसे कितना लिमिट कर सकता है. सो दिस एंटायर न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल बॉन्ड्स. नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में जो हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं उनको कितना और किस तरह से टैक्स किया जाता है. नाउ डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस जो हैं इसके मेनली टू कंपोनेंट्स हैं. पहला हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका जो खुद का प्राइस है ये एक बड़ा कंपोनेंट है, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इटसेल्फ. एंड इसी के साथ साथ इसके बेसिक प्राइस के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ द अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. सो डोमेस्टिकली हमारे जो रिटेल प्राइसेस हैं इसके दो बड़े कंपोनेंट्स हो गए, एक तो क्रूड ऑयल का खुद का प्राइस कितना है और इसके बेसिक प्राइस के ऊपर कितना टैक्स लगाया जा रहा है. इन दोनों को मिलाकर हमारे पास फ्यूल प्राइसेस के जो रिटेल प्राइसेस हैं वो इंडिया के अंदर फिक्स किए जाते हैं. नाउ टैक्सेस में वेरी फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोटल रिटेल प्राइस की बात करें फॉर अ लीटर ऑफ पेट्रोल तो वो हमारे पास जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ ऑफ 50% फॉर पेट्रोल. लेकिन यही हम अगर डीजल की बात करें तो डीजल पे 44% फॉर अ लीटर ऑफ डीजल टैक्स लगाया जाता है. जो टैक्सेस हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं. सो इंडिया के अंदर रिटेल प्राइसेस इन दोनों क्रूड ऑयल का खुद का प्राइस कितना है और बेसिक प्राइस के ऊपर कितना टैक्स लगाया जा रहा है, इन दोनों कंपोनेंट्स को देखते हुए इंडिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस के जो रिटेल प्राइसेस हैं उनको फिक्स किया जाता है. सो नाउ व्हेनेवर द इशू ऑफ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस हैज़ बीन रेज्ड, वेल इसे लेकर इवन यू नो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि सबसे पहले तो जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ये फिनोमेना आ चुका है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं. लेकिन सेकंड कंपोनेंट जिसको यू नो रीज़न किया जाता है फॉर हाई पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस दैट इज़ द ऑयल बॉन्ड्स. नाउ ऑयल बॉन्ड्स जो कि इससे पहले जो UPA गवर्नमेंट थी उन्होंने इशू किए थे एंड इसकी वजह से भी जो प्राइसेस हैं पेट्रोल प्राइसेस हैं डीजल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं. किस तरह हुआ है इसे हम समझते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज ऑयल बॉन्ड्स एंड इनको इशू क्यों किया गया था. सो पास्ट में जो फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए थे सो ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर लोड ना बढ़े, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो फ्यूल प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट आस्क्ड द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कि वो फ्यूल को फुल प्राइसेस के ऊपर ना सेल करें, मतलब कंज्यूमर से वो फुल प्राइस ना चार्ज करें. तो इसका मतलब कम प्राइस के ऊपर फ्यूल को बेचें.
तो अगर ऐसा होगा तो जो हमारी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो किस तरह उनको पेमेंट मिलेगी, हाउ विल दे गेट पेड, एंड अल्टीमेटली ऐसे केस में तो जो ऑयल कंपनीज हैं वो अनप्रॉफिटेबल हो जाएंगी। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर फुल यू नो फ्यूल प्राइस का प्रेशर पड़े। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी डिफरेंस होगा वो कौन पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी। तो बेसिकली ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फुल प्राइस के ऊपर जो फ्यूल है उसे सेल ना करें, कम प्राइस पे सेल करें, एंड जितना भी डिफरेंस होगा दैट विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। ये सोल्यूशन निकाला गया। नाउ अगर गवर्नमेंट इन ऑयल कंपनीज को कैश के अंदर पेमेंट करेगी तो ये बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट को फिर से उन्हीं लोगों का जो टैक्स है वो लेना पड़ेगा जिनसे वो इस बर्डन को हटाना चाहते हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनसे टैक्स लेकर अगर आप ऑयल कंपनीज की पेमेंट कर रहे हैं तो ये कहीं से भी ये पूरा का पूरा पॉइंटलेस एक्सरसाइज होगी। तो ऐसे केस में क्या किया गया, ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया गया, एक ऑयल बॉन्ड को लाया गया। ये एक प्रॉमिसरी नोट है जिसे गवर्नमेंट ने इशू किया टू द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द कैश, जो कि इन अदर टर्म्स गवर्नमेंट को देना पड़ता टू दीज कंपनीज, ताकि वो फुल प्राइस पब्लिक से चार्ज ना करें। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन कैश, गवर्नमेंट इशूड द ऑयल बॉन्ड्स फॉर दैट डिफरेंस। सो बेसिकली एक ऑयल बॉन्ड के अंदर लिखा क्या होता है, बेसिकली सेज दैट गवर्नमेंट विल पे द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द सम ऑफ लेट्स से रुपीज 1000 करोड़ इन 10 ईयर्स, एंड टू कंपनसेट द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर नॉट हैविंग दिस मनी स्ट्रेट अवे, गवर्नमेंट विल पे इट लेट्स से एट द रेट ऑफ 8% ईच ईयर अंटिल द बॉन्ड मैच्योर्स। तो बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया गया कि गवर्नमेंट लेट्स से 10 इयर्स में 1000 करोड़ की पेमेंट करेगी, लेकिन क्योंकि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देन एंड देयर तो पेमेंट मिली नहीं, तो ऐसे केस में उनके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा कि गवर्नमेंट इस पेमेंट को पे करेगी इन द 10 इयर्स, एंड कितने इंटरेस्ट पे, लेट्स से 8% इंटरेस्ट पे पेमेंट होगी। सो दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज ऑयल बॉन्ड। तो जब इस तरह का ऑयल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो इससे बेसिकली जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है, एंड इससे इवन गवर्नमेंट भी ओवर द बोर्ड जाकर एक डेफिसिट क्रिएट नहीं करता, तो कंज्यूमर्स के ऊपर लोड भी नहीं आता, ऑयल कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बनी रहती है, और गवर्नमेंट के लिए भी देन एंड देयर एक काफ़ी बड़ा डेफिसिट क्रिएट नहीं होता, और जो हाई प्राइसेस का जो सिचुएशन आया था वो यहाँ से थोड़ा इजीली डील हो जाता है। नाउ आजकल हम ये बार बार सुन रहे हैं कि लास्ट यूपीए गवर्नमेंट्स इशूड अ लॉट ऑफ ऑयल बॉन्ड्स, लेकिन पहली चीज़ आपने क्लियर करनी है दैट दीज ऑयल बॉन्ड्स वर इशूड बाय मेनी गवर्नमेंट्स। लेकिन जो क्वेश्चन में आते हैं दोज आर दी बॉन्ड्स विच वर इशूड बाय द यूपीए गवर्नमेंट। सो ऑयल बॉन्ड्स के केस में भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। ऑयल बॉन्ड्स की जो पेमेंट है वो दो तरह से होती है, एक तो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जाती है और एक फाइनल पेमेंट जाती है बाय द एंड ऑफ द बॉन्ड्स टेन्योर। एंड इस तरह के बॉन्ड्स इशू करने पे गवर्नमेंट बेसिकली जो फुल पेमेंट होती है उसे डिफर कर देते हैं, लेट्स से फॉर 5 years, 10 years, 20 years, कि धीरे 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 करके इंटरिम पीरियड्स में जो पेमेंट है वो दी जाएगी। तो ऐसे केस में क्योंकि जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उसका हर साल एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है, और जैसे ही बॉन्ड मैच्योर होता है उसका टेन्योर एंड होता है तब भी फाइनल पेमेंट होती है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दैट इज़ ऑल्सो पेइंग इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल द बॉन्ड्स दैट हैव नॉट मैच्योर्ड येट। नाउ अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कितने ऑयल बॉन्ड्स हैं जो कि अभी भी पेंडिंग हैं, कितनी पेमेंट हो चुकी है, क्या ये अमाउंट इतनी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पेट्रोल प्राइसेस हैं फिर जो टैक्सेस हैं उनको लोअर नहीं कर सकती। वेल टू कंपेयर दिस पे आउट हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट ने हर तरह के टैक्सेस से अर्न कितना किया और कितने रेवेन्यूज़ अर्न किए हैं और कितने हमने इन ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे किया है। तो देर आर थ्री वेज टू आंसर सच क्वेश्चन,
कि क्या हमारे पास जो अमाउंट है वो इतनी बड़ी है ऑयल बॉन्ड्स की कि जो टैक्सेस हम फ्यूल के ऊपर लगा रहे हैं कि वो रिड्यूस नहीं किए जा सकते। ना सबसे पहले अगर हम टोटल पे आउट देखें तो जितना टोटल रिवेन्यू हमारे पास जनरेट हुआ लेट्स से इन द फाइनेंशियल ईयर 2014 and 15, उसका 7% हमारा टोटल पे आउट था। सो एज द ईयर्स आर प्रोग्रेसिंग दिस परसेंटेज केम डाउन, क्योंकि जो टैक्सेस यहाँ से जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम दिस सेक्टर दे हैव ऑल्सो सोल्ड। सेकेंडली, अगर हम टोटल रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट ने अर्न किया है इंक्लूडिंग सेंटर एंड स्टेट फ्रॉम 2014 टू 2022 बेसिकली फ्रॉम टैक्सिंग दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये अमाउंट भी मोर देन 43 लाख करोड़ है। इसका मतलब टोटल पे आउट जो कि गवर्नमेंट ने टिल डेट यू नो ऑयल बॉन्ड्स के लिए दिया है इन कंपेरिजन टू द रेवेन्यू दैट इज़ ओनली 2.2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट वॉज अर्नड। थर्डली, अगर हम देखें कि जो टोटल अमाउंट रेवेन्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है फ्रॉम जस्ट वन काइंड ऑफ टैक्स विच इज़ एक्साइज टैक्स, लेट्स से 2014 और 15 की अगर हम बात करें, दैट वॉज मोर देन 99,000 करोड़। तो इन अदर वर्ड्स, हमारे पास जितना हमें यू नो पेमेंट चाहिए टू पे फॉर द ऑयल बॉन्ड्स, उसके कंपेरिजन में जो रेवेन्यू अर्न किया गया है फ्रॉम दिस सेक्टर दैट इज़ वेरी 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 हाई। वेल, इससे पहले भी इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, यू नो जब उन्होंने इन बॉन्ड्स को इशू किया था दे पुश्ड द लायबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन, बट टू द ग्रेट एक्सटेंट जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो बोरोइंग्स होती हैं दैट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स ओनली, एंड दिस इज़ वाई ईच ईयर द फिस्कल डेफिसिट यू नो जो कि गवर्नमेंट की बोरोइंग को शो करता है इट इज़ वेरी कीनली ट्रैक्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। इट्स अबाउट द रीसेंट इवेंट ऑफ सिंकिंग ऑफ द वॉरशिप मॉस्कोवा। वॉरशिप मॉस्कोवा 600 फुट एंड 12,500 टन, इट वॉज अ फ्लैगशिप ऑफ द ब्लैक सी फ्लीट एंड दिस कम्स एज अ सीरियस सेटबैक टू रशिया। ये जो रिवर्सल हुआ है दिस इज बोथ मिलिटरी एंड सिम्बॉलिक, एंड जो प्रूफ्स आए हैं यू नो दैट द वॉरशिप इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशनेबल एंड दिस इज़ वेरी यू नो डैमेजिंग यू नो इन टर्म्स ऑफ अ ब्लो टू द मोराल। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यूक्रेन की बात करें सो दिस बेसिकली अपलिफ्ट द यूक्रेन्स होप एंड दिस बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट द यू नो यूक्रेन्स होम ग्रोन टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड इट ऑल्सो एक्सपोजेज द वीकनेस ऑफ रशियाज नेवीज एंटी मिसाइल डिफेंसेज। नाउ इस न्यूज़ आर्टिकल में विल अंडरस्टैंड वाई ब्लैक सी इज़ क्रूशियल फॉर रशिया, वाई ब्लैक सी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर रशिया। सबसे पहले ब्लैक सी की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं, दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी ओवर हियर दिस इज़ ब्लैक सी, ओके, एंड ब्लैक सी इज़ बेसिकली द वॉर्म वाटर बॉडी जिसको कहा जाता है वॉर्म वाटर गेटवे टू यूरोप। रीज़न बीइंग, रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया का मेजर पार्ट आर्कटिक ओशन से टच करता है एंड वो सारा का सारा ओशन विंटर्स में फ्रीज हो जाता है, वेयर एज द ब्लैक सी इज़ कंपैरेटिवली वार्मर एंड इट नेवर फ्रीज, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज वार्म वाटर गेटवे टू यूरोप। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो देर इज़ अनदर वाटर बॉडी ओवर हियर टर्की की अगर हम बात करें जिसे कहा जाता है मारा मारा सी। ब्लैक सी एंड मारा मारा सी दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यहाँ पे एक नैरो स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी और मारा मारा सी को कनेक्ट करती है विच इज़ कॉल्ड एज बॉस्पोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू अदर वाटर बॉडीज एंड इसके बाद मारा मारा सी के बाद भी हमारे पास आगे चल के एजियन सी आता है और ब्लैक्स मारा मारा सी और एजियन सी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स याद रखेंगे, डार्डेनल स्ट्रेट एजियन सी से आपको लेकर जाएगा कहाँ पे, मारा मारा सी की तरफ एंड मारा मारा सी से अगर आपको ब्लैक सी जाना है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा बॉस्पोरस स्ट्रेट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रूट याद रखिएगा। उसके बाद इसके आगे भी अगर हम जाएं, ब्लैक सी से अगर आप अजोव सी जाना चाहें तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इफ़ यू हैव टू गो टू द अजोव सी, हेयर यू हैव टू क्रॉस अ स्ट्रेट विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ क्रेच। नाउ रशिया के लिए जो ब्लैक सी है, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन। हम ब्लैक सी से अल्टीमेटली जब आप एजियन सी में पहुँच जाते हैं, अल्टीमेटली यू विल गो टू मेडिट्रेनियन सी, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ बफर बिटवीन नेटो एंड रशिया, दिस रीजन ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी का जो वेस्टर्न साइड है, दैट इज़ डोमिनेटेड बाय नेटो, एंड ब्लैक सी का जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे रशियन डोमिनेंस है। तो एक तरह से ये बफर जोन भी बनाता है बिटवीन नेटो एंड रशिया। ब्लैक सी रीजन में किसकी डोमिनेशन है, ये जियो स्ट्रेटेजिकली इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम रशिया की बात करें, यू नो वी टॉक अबाउट द रशियन पावर इन मेडिट्रेनियन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ दिस ऑल्सो सिक्योर्स द इकोनॉमिक गेटवे टू द की मार्केट्स इन सदर्न यूरोप, देयरफॉर ब्लैक सी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ देयर इज़ द ब्लैक सी फ्लीट, जिसके अंदर रशियन नेवल वॉरशिप्स हैं ब्लैक सी के अंदर, सी ऑफ अजोव में, ईस्टर्न मेडिट्रेनियन में। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है, that lies in the Crimean Peninsula, that is Sevastopol over here. Crimean Peninsula ki bilkul tip pe aapko iska headquarter milega, that is the major port on this Crimean Peninsula. Crimean Peninsula jise 2014 mein Russia ne annex kiya tha from Ukraine. And is news, is editorial ke andar ek paper ko mention kiya gaya hai with the title The Naval Power Shift in the Black Sea. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वॉर ऑन द रॉक्स पे ये पेपर आया है। एंड इसके अंदर ये कहा गया है कि जो ब्लैक सी फ्लीट है, इट बेसिकली असिस्ट यू नो विद द डिफेंस ऑफ द सदर्न मैरिटाइम अप्रोचेस टू रशिया। रशिया का जो सदर्न एरिया है उसके ऊपर ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट इट ऑल्सो अलाउज रशिया टू यूज़ ब्लैक सी एज अ जंपिंग ऑफ पॉइंट बिटवीन ईस्टर्न एंड सेंट्रल मेडिट्रेनियन। यहाँ से वो ईजिली जंप ऑफ कर सकते हैं। And even this activity, you know, enables its diplomacy और जो भी power projections हैं इस area के अंदर। Russia की पहले यहाँ पर जो influence थी वो काफ़ी limited थी, but they retard what Russia believes that US and NATO, इनका effort यही है कि इस area में जो उनके partners हैं उनको destabilize करना, चाहे like Russia, you know, we talk about Syria. So the stability of Black Sea region is very important for Russia. And the influence of Russia to be maintained, you know, in this Black Sea region. Now, Russia has always focused ki jo Black Sea hai, wahan pe unki domination barkarar rahe. Chahe wo Russia ne jab Crimean Peninsula ki ko invasion kiya tha, that was to connect Russia and Crimea by a land bridge. And yahan se jo Sea of Azov ka jo port hai, the port of Mariupol, isse unhone iski yahan pe baat ki gayi hai. So before the loss of Moskva, Russia was expected to focus its military efforts on Odessa. ये बिल्कुल क्रीमिया के वेस्ट में लाई करता है, as you can see over here, this is Odessa. And Azov Sea के अंदर जो important port है, that is Mariupol. तो इससे पहले तो focus Odessa के ऊपर था, तो अगर Odessa, were to fall as well, then Ukraine would lose their access to entire Black Sea coastline. Therefore, the focus of Russia was on Odessa. Crimea to unke paas already hai. Mariupol hum dekh chuke hain. And now they were going to move towards Odessa. To agar Odessa ka bhi fall ho jata, to Ukraine ka jo Black Sea coastline pe jo access hai, wo yahan pe puri tarah kam ho jata. And isse Ukraine ek landlocked country ban ke reh jata. And this could have been devastating for Ukraine's economy. Lekin ab jo Ukraine ne ye step liya hai, jisme unhone Moskova ko sink kiya hai, it is expected that this will put some brakes on Russia, at least temporarily. लेकिन ये एंटिसिपेटेड है दैट देर विल बी एन एम्फीबियस असॉल्ट ऑन द पोर्ट ऑफ ओडेसा एज वेल। सो वी नीड टू सी यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द रीजन ऑफ ओडेसा एंड किस तरह मॉस्कोवा की सिंकिंग के बाद रशिया का नेक्स्ट टर्न क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड है।
It is about how the Russian invasion of Ukraine has created this food and energy supply crisis, especially in the developing world. And what could be the available solutions, you know, in the wake of this war? And to analyze this entire situation of food and energy crisis, which has been developed because of Russian invasion. So, as we see this Russia-Ukraine conflict and this invasion of Ukraine, you know, for the people of Ukraine, this is a nightmare. This is the humanitarian disaster, you know, on a very terrifying scale over there. Is war ki wajah se we are seeing that, you know, this has become the matter of life and death for vulnerable people. Already ye jo tragedy hai, this is unfolding in Ukraine. Cities are getting destroyed. People are suffering and, you know, people are dying in their homes and in streets. There's fastest displacements happening in Europe right now. Lekin agar hum Ukraine ke beyond bhi dekhe, Ukraine ke borders ke beyond bhi dekhe, to bhi Russia-Ukraine conflict ka asar aapko mil raha hai. This war has launched an assault on developing world. Is crisis ki wajah se 1.7 billion people, which is over 1/5 of humanity, they has been thrown up into poverty, destitution and hunger. And itne bade scale pe pichli decades mein jitna nahi hua jitna Russia Ukraine conflict ke baad log is poverty, destitution aur hunger ke grip mein aa chuke hain. Ukraine aur Russia dono milkar agar hum world ke wheat aur barley ki baat kare, so they produce 30% of world's wheat and barley and 1/5 of the maize and over half of their sunflower oil. And ye jo food grain hai, this basically feed the poorest and the most vulnerable people. You know, more than 1/3 of the wheat is imported by 45 Asians and least, you know, 45 African and least developed countries. Isi ke saath saath Russia is world's top natural gas exporter as well, second largest oil exporter. Lekin is war ki wajah se, they are preventing farmers from tending their crops. Kyunki jo ports hain wo close ho chuke hain. So the entire, you know, grain export that has ended and it has disrupted the supply chain, and jiski wajah se jo prices hain, they are skyrocketing now. Many developed countries, they are struggling because of this. Already the countries, they were trying to recover from the impacts of COVID-19, and followed by, you know, this situation, now they are coupled up with this historic debt burden and the soaring inflation. 2022 ki beginning se hi jo wheat aur maize ke prices hain wo increase ho rahe the, they increased by 30%. Jo Brent oil price hai wo more than 60% increase hua in the last year. Whereas agar hum natural gas aur fertilizers ki baat kare, so their prices have been doubled. So United Nations jo inki khud ka jo life, you know, saving operations hain, they are also under severe strain. अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, तो द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ वॉर्न दैट इट इज़ फेसिंग इम्पॉसिबल चॉइस ऑफ टेकिंग, यू नो, टॉकिंग अबाउट द हंगर टू फीड द स्टार्विंग. इट इज़ अर्जेंट, यू नो, दे नीड $8 billion टू सपोर्ट द ऑपरेशंस इन येमेन, चाड एंड नाइजर. सम कंट्रीज आर ऑलरेडी, यू नो, स्लाइडिंग फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू क्राइसिस नाउ. बहुत सीरियस अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट आ चुका है. Now we all know कि जितने भी बड़े conflicts होते हैं उनके जो roots हैं, they lie in poverty, inequality, underdevelopment and hopelessness. So the world is basically, you know, stepped up in the solidarity with the people of Ukraine, but there is no sign of same support for 1.7 billion who are the potential victim of this war. Now यहाँ पे अगर हम the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance ki baat karein, that was launched last month, iska aim hai taki ek coordinated solutions hum develop kar sake, you know, to these interlinked crises. Governments, international finance institutions, they all are coming together, you know, to launch a coordinated solution, jisse ki jo global crisis aaya hua hai on food, energy and finance, isse deal kiya ja sake. Now, if we talk about food, you know, jitni bhi countries hain, they are urging to keep their markets open, hoarding na ki jaye,
एंड जो अनजस्टिफाइड और अननेसेसरी जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ये ना की जाएं, एंड दे शुड मेक रिजर्व्स अवेलेबल टू द कंट्री एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ हंगर एंड फेमाइन. ये जो टाइम है ये प्रोटेक्शनिज्म का टाइम नहीं है. देर इज़ इनफ फूड फॉर एवरी कंट्री टू गेट थ्रू दिस क्राइसिस इफ ऑल द कंट्रीज एंड द यू नो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वी वर्क टुगेदर. एंड यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो भी चल सकता है. सो एनर्जी की अगर हम बात करें, वी नीड द यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स. एडिशनल रिजर्व्स जो हैं दे कुड हेल्प ताकि ये जो एनर्जी क्राइसिस आया है फॉर शॉर्ट टर्म इससे हम डील कर सकें. बट द ओनली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज़ टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट नहीं होगी एंड इससे इवन प्रोग्रेसिवली वी कैन इवन फेज आउट द यूज़ ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स. फूड की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई, बट नाउ वी टॉक अबाउट फाइनेंस. सो जो G20 कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे मस्ट गो इन टू एमरजेंसी मोड. We need to find those ways through which we can increase the liquidity और जो हमारी fiscal space है उसे increase किया जा सके, ताकि वो government जो कि developing world में हैं they can invest in their poorest and most vulnerable group along with achieving sustainable development goal. So right now ये जो हमारा unfair global financial system चल रहा है इससे डील करने के लिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस दैट दिस एन अनफेयर फाइनेंस सिस्टम, इट इज़ मेकिंग रिच मोर रिचर एंड पुअर मोर पुअर. जो सोशल प्रोटेक्शन है जिसमें कैश ट्रांसफ़र किया जाए, दिस कुड कम एज एन असेंशियल सपोर्ट फॉर डेस्परेट फैमिलीज आर गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस. बट देर आर मैनी कंट्रीज जिनका जो एक्सटर्नल डेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, दे डू नॉट हैव लिक्विडिटी टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सेफ्टी नेट्स. सो द ओनली लास्ट सोल्यूशन टू दिस वॉर विच इज़ हैपनिंग इन यूक्रेन राइट नाउ, और जो असॉल्ट जिसकी वजह से पुअरेस्ट और वल्नरेबल पीपल पे हो रहा है, इसका सोल्यूशन, सबसे बड़ा सोल्यूशन तो पीस है. एंड दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल. And he is calling for peace. He's appealing the global community to speak with one voice and to support peace. And this war must end now. So this is an important article when it comes to the impacts of the Russia-Ukraine war on the entire world and how developing country, the poor and the vulnerable sections, they are suffering. So this is it. इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें कवर किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.